एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ पेडीक्योर। तो पेडीक्योर आप घर पे ही कर सकते हो एंड इजी और आसान तरीके से। बस आपको करना क्या, आपके किचन में वो सारी चीज़ अवेलेबल होंगे जिसे मैं करने वाली हूँ और करके दिखाऊंगी। एंड आपको बाहर जाने कोई ज़रूरत नहीं है और बाहर से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हो घर की चीज़ों से। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पैरों की हालत जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एंड मैंने बहुत दिन से पेडीक्योर किया नहीं, इसकी वजह से इसकी हालत क्या हो चुकी है एंड इसमें हेयर वगैरह। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने नेल पेंट वगैरह भी लगा रखा था जो कि मैंने जैसे तैसे करके तो उसको निकाल लिया। एंड इसके बाद मुझे निकालना अपने पैर के बालों को जो कि आप देख सकते हैं यहाँ। और मैं इसके लिए ले रही हूँ वैक्सिंग सीट जो कि मैं इसको पहले अपने हाथों से गर्म कर लूँगी अच्छी तरीके से। गर्म करने के बाद मैं इसको एक कैची की मदद से इसको छोटे छोटे डिवाइड में कट कर लूँगी। एंड कट करने के बाद अदरवाइज आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं, मैं तो यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ के बालों को निकालना है तो मैं इसको यहाँ पर स्ट्रेच करूँगी, यहाँ पर इस तरीके से खींचूँगी तो ईजी तरीके से यहाँ का बाल जो है निकल जाता है। निकालने से पहले आपको एक काम कर लेना, आपको पाउडर जरूर से लगा लेना, इससे आपका दर्द थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से करके आपको अपने सारे पैरों के बालों को इस तरीके से निकाल लेना है एंड बहुत जेंटली करना है क्योंकि यहाँ की जो जगह है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तो आपको बहुत आराम से करना है पाउडर लगा कर। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टब या भी बास्केट ले लेना है और उसमें वॉर्म वाटर लेना है। वॉर्म वाटर लेने के बाद आपने अपने दोनों पैरों को उसमें आराम से रखना है। पैर रखने के बाद आपको 10 से 5 मिनट तक अपने पैर को पानी में छोड़ देना है। 10 से 5 मिनट से पहले आपको एक और चीज़ उसमें डाल लेना है, अगर आप ब्लीच करते हैं, ब्लीच करने के बाद आपके पास जो एक्टिवेटर रेसेस रह जाता है एक्स्ट्रा, तो आपको उसमें डाल देना है एक्टिवेटर रेसेस। एक्टिवेटर डालने के बाद आपको 10 से 5 मिनट तक आप अपने पैरों को उसमें रखे रहना है और आपको अपने पैरों को अच्छे से आराम करना भी है एक दूसरे के साथ में इस तरीके से। और अगर आपके पास एक्टिवेटर नहीं है या फिर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं या फिर नींबू और नमक भी अगर में अवेलेबल होगा ही तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने पेडीक्योर के लिए। तो आप इस तरीके से भी आप पेडीक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टूथपेस्ट लेना है जो कि आप करते नहीं हो और उसमें आपको थोड़ा सा शैम्पू लेना है, आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल हो उसको लेने के बाद आपने अपनी स्किन पे चारों तरफ उसे रफ करना है, जिससे आपके डेड स्किन जो होगी बहुत पानी में डालने के बाद खिल जाते हैं तो आसानी से ब्रश के जरिए वो निकल जाएंगे। एंड इसके बाद डस्ट वगैरह भी होंगे या फिर मैल होते हैं जो वो भी निकल जाएंगे। तो बहुत ईजी स्टेप है, तो आपको ज़रूर करना है। और साथ में अपने नेल्स के क्यूटिकल को भी अच्छे से साफ कर ले, से क्या होता है कि अपने नेल्स के क्यूटिकल को कट भी नहीं करना पड़ता और इजी तरीके से वो खिल जाता है पानी की वजह से, तो आराम से वो निकल जाता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बॉडी स्क्रब। तो बॉडी स्क्रब किस तरीके से करना है एंड किस तरीके से घर पे बनाना है, तो मैं आपको घर पे ही बना के दिखाऊंगी। एक तरफ से ये होम रेमेडी को आपको बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके किचन में वो सारी चीज़ अवेलेबल होंगी जिससे मैं बनाने वाली हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कटोरी, या फिर आपके पास कोई कंटेनर या बाउल हो वो भी आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा बेसन, एक कॉफ़ी जैसे कि मैंने पहले से इसको ले रखा था। और इसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें 1 स्पून शुगर जो कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें एक नींबू का रस, मैं काट करके इसमें आधा ही लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए। और नींबू मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा गंदगी जो मैल होती है हमारी स्किन में बॉडी में, तो उसको निकालने का काम करता है, तो इसके लिए मैं नींबू लूँगी। और फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या करता है कि इस समय विंटर का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो गाइस जो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो चुकी है तो मुझे इसमें थोड़ा सा नरिश चाहिए, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल जो कि मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। तो ये सारे चीज़ लेने के बाद आपको इसमें कर देना है मिक्स इस तरीके से, और ये थोड़ा थिक है तो आप
देख सकते हैं ये रहा स्क्रब, और आपको अपने पैरों को अच्छे से इसमें मसाज करना है। आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से इसमें मसाज करना है। और गाइस इसमें मसाज करने के बाद विजिबली आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आखिर में तो शॉक हो जाएंगे। एंड आपको अच्छे से इसको मसाज करना है, अपने हाथ से स्क्रब करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे डस्ट है या फिर डेड स्किन है ना, वो इससे निकल जाएगी। मैं अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। तो आप इसका रिजल्ट देख ही पा रहे हो किस तरीके से मेरे पैर हो चुके हैं पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क है, तो कि आप देख सकते हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हो किस तरीके से आया है। और आप अपने घर की चीज़ों से अपना पेडिक्योर कर सकते हो घर पे ही। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं अपना नेल्स को इस तरीके से कट कर रही हूँ। वैसे भी मेरे नेल्स बड़ी भी नहीं थे, फिर भी मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं अपने नेल्स को फायर कर लूँगी बफर की हेल्प से। एंड इसके बाद मैं लगा रही हूँ नेल जेल, थोड़ा सा नेल पे शाइन लाने के लिए। तो डेफिनेटली आप भी ये सारे टिप्स को फॉलो करके अपना घर पे ही पेडिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से इजी और आसान स्टेप है जो कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो पैरों की स्किन है डस्ट वगैरह वो सारे क्लीन हो जाएंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ऑल कर देना, और ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।